हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल अंबर वॉन्ट। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। आज का टॉपिक जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपने देखा होगा हम लोग जो हैं ह्यूमन बींग्स, मेल और फीमेल एनर्जी का कॉम्बिनेशन होते हैं। कभी कभी फीमेल एनर्जी डाउन होने की वजह से लाइफ में, कुछ ग्रोथ में, पर्सनल लाइफ में इश्यूज रहते हैं। ये अगर मैस्कुलिन एनर्जी में प्रॉब्लम है तो करियर, मनी, फाइनेंसिस में प्रॉब्लम रहेंगी। तो आज की टॉप रीडिंग जो है ना, वो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। ठीक है जी, ट्विन फ्लेम की आई गेस रीडिंग नहीं है ये, नहीं है मेरी तरफ से तो नहीं है, पर अगर कार्ड्स किसी ग्रुप के आ जाएंगे तो वो हम उस चीज को देख लेंगे, है ना। आपके सामने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं एज यूजुअल, जैसे कि हम रखते हैं। आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हो। करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट 1 by 1 करके, और हम लेते हैं यहाँ से फर्स्ट। आपका फर्स्ट है आपका दिस ब्लैक इस ऑब्सीडियन, है ना, थर्ड आई चक्रा का स्टोन। सेकेंड है आपका लैपिस लाजूली, जो है हमारा चोट चक्रा का स्टोन, और ये है हमारा सन स्टोन लग रहा है मुझे ये, और ये है आपका सोलर चक्रा का स्टोन। ठीक है जी, आपको इस पे से जो भी अट्रैक्ट कर रहा है उसको करो चूज। करते हैं हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट 1 by 1 करके, देखते हैं आएगा क्या, है ना। इंटरेस्टिंग रहेगी मुझे लगता है, मेरे लिए भी, तो देखते हैं क्या आता है। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया है आपका ये थर्ड आई चक्रा का स्टोन। करते हैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट और देखते हैं क्या कुछ आता है। देखिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर मैं यहाँ पे आपको एक चीज बोलूँ, यहाँ पे जो मुझे एनर्जी आ रही है ना, वो फेमिनाइन एनर्जी आ रही है। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी आ रही है, या फिर आपके लाइफ में हो सकता है आप फेमिनाइन एनर्जी में हो। ओम का मुझे यहाँ पे वो जो है दिख रहा है वर्ड, यस, लिखा हुआ OM। ठीक है, और उसके साथ मून एनर्जी मीन्स फेमिनाइन एनर्जी, या तो लव, रिलेशनशिप, हेल्थ, ग्रोथ लाइफ में जो होती है, स्ट्रगल काफी टाइम से चल रही है, या फिर उसमें इश्यूज रहते हैं, या फिर मूड स्विंग चेंजेस रहते हैं। एनर्जी कभी कभी बहुत अग्रेसिव हो जाने की वजह से आपका जो रियल सेल्फ है, आप जो रियलिटी में हो, वो सामने नहीं आ पाता। और अगर कोई साइकिक या स्पिरिचुअल पर्सन भी हो आप, तो अभी पूरी तरह से ना वो चीजें अपनी शेप में, फॉर्म में, जगह में नहीं आई हैं। ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कुछ इश्यूज यहाँ पे चल रहे हों, कन्फ्यूजन्स वगैरह थोड़ा सा रहती हों, ऑप्शंस रहने के बाद भी वो चीज़ें थोड़ा सा फ्रूटफुल जो है नहीं होती होंगी, तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। करते देखते हैं अब आपकी रीडिंग में बेसिकली हमारे पास यहाँ पर आता क्या है। ठीक है जी, ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, और यहाँ पे आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये ग्रुप जो है ना, इस ग्रुप को बताती हूँ कैसा है। कॉन्फिडेंस लेवल तो है यहाँ पे, और अगर नहीं है तो कॉन्फिडेंस लेवल आप लोगों में बहुत ही जबरदस्त हो सकता है, बहुत जबरदस्त हो सकता है। आपको अगर कोई चीज को संभालने के लिए, करने के लिए दे दिया जाएगा, तो आप उसको पूरा मन लगाकर करोगे। मुझे यहाँ पे अगेन मैं वही वाला चीज बोलूंगी कि अगर इस ग्रुप के मैं इश्यूज देखूँ, तो हो सकता है ये ग्रुप जो है अभी मे बी साइकिक एनर्जीज हैं यहाँ पे। देखिए, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और मैं मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्स की एकदम से एनर्जी आई है। जैसे क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी बताती हूँ क्यों मुझे ऐसा लगा। मे बी हो सकता है कुछ लोग इसमें से सेपरेटेड हों, सिंगल हों, या वेट कर रहे हों, या किसी बहुत अच्छी पोजिशन या जॉब या किसी ऐसी चीज पर हो सकते हैं, या अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा ऊपर स्टेटस पर हो सकते हो, ऐसा यहाँ पे चांसेस हैं। ठीक है, और आप चाहते हो कि आपको सामने से अगर कहीं से कमिटमेंट मिले या कुछ भी मिले, तो वो प्रॉमिसिंग हो, है ना। आपके लिए ये जो ग्रुप है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि आप अपना वैल्यू जानते हो। अगर डजेंट मैटर आप अपनी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हो, अगर आप अचीव नहीं भी कर पाए हो ना, तब भी आपको पता है आप कितना डिजर्व करते हो। अगर उससे आपको कुछ कम मिलेगा, तो एक्सेप्ट नहीं करोगे, वेट करना प्रेफर करोगे रदर एक्सेप्ट करना। एक और चीज है यहाँ पे, आप चाहते हो कि ना, जैसे इंट्यूशन पावर होने की वजह से आपको दूसरों का शायद पता लग जाता है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन किसका पार्शियलिटी एक तो पसंद नहीं है। समझ बहुत अच्छी है, चीज़ों को समझते हो, परखते हो, बहुत ईजली चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं, पता लग जाता है। फिर भी मुझे आप लोग काफ़ी हम्बल लग रहे हो, बट कभी कभी जो है ना कन्फ्यूज, परेशान थोड़ा सा, ये चीज़ जरूर आपके साथ हो सकती है।
हो सकता है आप लाइफ में कुछ चीज़ें चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ लोगों का आप देखिए, मैं वही बोल रही थी ना, पता नहीं रीडिंग में क्या आएगा। इमोशनली आप एक काफ़ी स्टेबल पर्सन हो। कोई भी पर्सन अगर ये सोचता है कि आपको इमोशनली इधर से उधर कर सकते हैं, है ना, ना आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि कहते हैं ना कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनके पास, बहुत सारे मैस्कुलिन जो है, मेल पर्सन जो है, और अगर आप मेल हो तो फीमेल्स काफ़ी सारे लोगों का चाहते होंगे, है ना, और हमेशा से उनके बीच में थोड़ा सा आपका एक इमेज जो है काफ़ी अच्छा रहा है, और एक डिफरेंट सा इमेज रहा है, लविंग, केयरिंग, ब्यूटी वाइज या किसी भी तरह से अगर मैं देखूँ, वो उनकी तरफ से कमिटमेंट भी मिलता होगा। बट कोई आपके लेवल पर भी होना चाहिए ना, कोई आपके लेवल पर भी होना चाहिए। यहाँ पर ये नहीं है कि क्वीन ऑफ सोर्स की अब आपके पर्सनल उसमें एनर्जी नहीं है कि बिकॉज आप बहुत ही बॉसी हो या वर्किंग हो, इंडिपेंडेंट हो, इसलिए आप एक्सेप्ट नहीं करते। बट आपका इंट्यूशन लेवल पर आपको पता है कि मैच नहीं कर पाएगा करके। ये चीज़ मैं मेल फीमेल जो भी है उन दोनों के लिए ही ये चीज़ बोली जा रही है, ठीक है जी। फेमिनिन एनर्जी नो डाउट वहाँ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, और यही फेमिनिन एनर्जी जो है, अगर आप अपनी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो, इंट्यूशन को फॉलो करते हो, मीन्स उस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये नहीं बोला जा रहा कि आप एडजस्टेबल नहीं हो, है ना, तो कोई भी चीज़ जब आपके पास आएगी तो वो पूरी तरह से आएगी, जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, हमेशा ऐसा नहीं लगेगा अरे गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, कुछ हो तो नहीं गया, ऐसे नहीं। ऑलवेज लिसन टू योर इंट्यूशन। और देखते हैं क्या कुछ कार्ड्स आते हैं हमारे इस ग्रुप के लिए। ग्रुप नंबर 1 आपकी मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज। ओके, मुझे यहाँ पे अगेन आई विल से कि मुझे यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जीज जो है वो काफी ही प्रोमिनेंट लग रही हैं इस वाले ग्रुप के लिए। फेमिनाइन एनर्जी प्रोमिनेंट लग रही हैं। देखिए अपने इंट्यूशन को सुनिए, और किसी पे एक अगर ऐसे प्लेस पे स्टक हो, ऐसे पर्सन के साथ स्टक हो जहाँ पे आपको रिलेशनशिप लगता है कि सिर्फ पैशन पर के ऊपर है ना, ऑलवेज लिसन टू योर गट फीलिंग, है ना, तो वहाँ से बाहर निकले, किसी का भी हेल्प ले, कहीं पे भी हो, स्टक हो, फंसे हुए हो, या फिर आपको सिर्फ कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं जिस रिलेशनशिप में या किसी भी प्लेस में, क्योंकि यहाँ पे अब ऐसी रीडिंग आ रही है तो मैं ले रही हूँ, हालांकि मैंने बोला था कि मैं इस तरह से मेरा कोई इरादा नहीं है करने का, है ना, देखते हैं फिर भी ये आपका कार्ड फॉल हुआ है तो हम इसको डेफिनेटली लेंगे। वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आप देखेंगे कि हमेशा से ही किसी ऐसी लिगेसी को बताता है। देखिए इस वाले ग्रुप को क्या चाहिए, टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स मतलब फैमिली, मैरिज, कमिटमेंट, सोशल लाइफ, सोशल स्टैंडर्ड, लोगों के बीच में जहाँ पे आपको जहाँ पे रिकग्निशन हो, अप्रिसिएशन हो, रिस्पेक्ट हो, है ना, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा, बिकॉज दिस इज व्हाट यू वांट। और अगर आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो ना, बिलीव मी आप बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हो यहाँ पे, आप बहुत अच्छा डिसीजन ले रहे हो, जल्दी ही आप अपने इस चीज़ को टेन ऑफ पेंटिकल्स तक आप यहाँ पे पहुँच पाएंगे। मुझे यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी चेंज होकर आपकी क्वीन ऑफ कप से मुझे कैप्रिकॉर्न या फिर अर्थ साइन की एनर्जीज लग रही हैं। अर्थ साइन में मीन्स जहाँ पे हम लोग अपनी क्या बोलते हैं उसको ज़्यादा वैल्यू करते हैं, स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को, सोशल लाइफ को, रिस्पेक्ट को, है ना, इन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करके जब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, पीछे का कुछ टॉक्सिक, नेगेटिव, पैशनेट चीज़ें छोड़कर, तो हम यहाँ तक पहुँचेंगे। सो ये बहुत अच्छा है। अगर आप कब से पेंटिकल्स की तरफ जा रहे हो ना, तो इसे बोलते हैं प्रैक्टिकल होना लाइफ में। ग्रेट, एनर्जी के इश्यूज मैंने यहाँ पे पहले ही आपको बताया, मून के यहाँ पे इश्यूज हैं जो कि मुझे लग रहे हैं अब तक, ग्रोथ के, रिलेशंस के, है ना, उस तरह से, तो वो अभी यस यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स के हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये ग्रुप जितना आप अपने पेंटिकल्स की एनर्जी के ऊपर फोकस करोगे, सोचोगे, प्रैक्टिकल रहोगे ना, एंड बिलीव मी आप खुद ही अपनी अपॉर्चुनिटी को जो है यहाँ पे अट्रैक्ट कर पाएंगे, और अपॉर्चुनिटी आएगी आपके पास। विद इन वन मंथ में भी आपकी एनर्जी चेंज हो सकती है, ऑल ऑफ सडन भी आपको कहीं से कोई स्टेबल, कोई ये जो ये देखिए स्ट्रेंज चीज़ आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को मैंने बाई चांस फर्स्ट नंबर पर रखा है, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स है, ये बीच का आपका जर्नी है। पेज ऑफ पेंटिकल्स मीन्स
जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी आएगी, ऑफर वगैरह, मैरिज है या कुछ काम है, कोई बिजनेस है या फिर कुछ भी है उसके लिए ना, तो वो आपके जो आपको डेस्टिनेशन फाइनल चाहिए यहाँ पर, वो यहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है। तो उसको ऑफकोर्स आप ग्रैब करोगे, मुझे जो लग रहा है, सोचोगे, समझोगे, इस मेंटालिटी से बाहर निकलोगे, नो डाउट। क्वीन ऑफ कप्स का जो है बहुत ही अच्छा है, वाव ग्रेट। देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून आता है कि नहीं यहाँ पे। और यहाँ पर क्या आया, जस्ट क्वीन ऑफ कप्स के ऊपर एक कार्ड आया है, हम देखते हैं। आई एम सो सॉरी, आई एम सिटिंग विद यू नो माई फोल्डिंग पुलओवर, इसका जो मैंने ओके ये वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लवली 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 लवली। क्वीन ऑफ कप्स से जो है ना, डेफिनेटली आप लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में जा रहे हो, मीन्स ये जो ग्रुप है ना, अपनी फेमिनाइन एनर्जी जो इनकी बैलेंस नहीं थी, है ना, क्यों थी, क्योंकि आप खुद को मैस्कुलिन एनर्जी देना ही नहीं चाहते थे, आप खुद के प्रोवाइडर नहीं बनना चाहते थे, आप क्यों किसी पर डिपेंड रहेंगे जब आप खुद कहीं पे किसी के प्रोवाइडर बन सकते हो, खुद अपना बिजनेस, काम, वर्क, जॉब, घर अच्छे से संभाल सकते हो, तो आप क्यों क्वीन ऑफ कप्स इस, मैं अगेन बोलूंगी यहाँ पे, क्योंकि जो चीज हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे हैं ना, क्वीन ऑफ कप्स आपका पर्सनल, आपका इनर एनर्जी, अंदर की एनर्जी जो हर किसी को नहीं दिखेगी, लोग जो है ना ग्रांटेड लेते हैं समटाइम्स हमें इस वाले क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से। क्वीन ऑफ पेंटिकल इज व्हाट, द पर्सन हु इज वेरी प्रैक्टिकल, नोस हम्बल है, ग्राउंडेड है, बट जानते हैं हमारे लिए दोनों लाइफ ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हमारी प्रैक्टिकल सोशल लाइफ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हमारा अंदर से इमोशनल लाइफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज गुड अगर आप ऐसे चेंजेस लेकर आते हैं। तो मैं इस ग्रुप को बता दूं, पहले अब आप लोगों की फेमिनाइन एनर्जी जो है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो रही है, क्यों, क्योंकि आप ऐसा अपनी इस मेंटालिटी से बाहर निकलना चाहते हो, बहुत ही वंडरफुल। और भी देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ओके यस, यहाँ पे मेरे पास कार्ड, देखिए हायरोफेंट मैंने निकाला है, सो हायरोफेंट का कार्ड आया है, नंबर 5 का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है। डेथ का कार्ड जो है काफ़ी टाइम से, हो सकता है कुछ चेंजेस ऐसे थे जो कि प्लीजेंट नहीं थे आपकी लाइफ में, उसने आपको ये क्वीन ऑफ कप्स का उसमें लेकर आया हो, या ऑलवेज क्वीन ऑफ कप्स का बेसिकली क्या है ना, देखिए बहुत सारे रीजन से एक इंसान क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड में जाता है। सॉरी, पीछे से आपको फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखिए मैं अगेन आपको बोलूँगी भाई, अगर आप सोचते हो ना आपकी लाइफ में जो है, अगर अच्छा ठीक है, यहाँ पे दो बात की जाए, एक तो कॉन्फिडेंस लेवल आप अपना लो नहीं रखें, उसका क्या रीज़न है, लेट मी टेल यू हियर, आप उस कंपटीशन से काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो। दूसरा, अगर आप लोग अपनी लाइफ में आगे कुछ वेट कर रहे हो, कुछ चाहते हो ना, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी, ऑप्शंस आपके पास आएंगी, और आपको चूज करना है, और आपको आपके इक्वल लेवल का जो आप चीज चाहते हो, अगर मैरिज के लिए देख रहे हो तो पार्टनर का मिलना, अगर आप बिजनेस के लिए देख रहे हो तो सही अपॉर्चुनिटी आपको सही टाइम पर जरूर मिलेगी, क्लिक करेगी, नो डाउट। अब तक ये डेथ का कार्ड जो था, इसकी वजह से ही कुछ चीजें जो थी, कुछ ऐसे मेजर चेंजेस आने हैं, कुछ लोगों का जो है यहाँ पे जो है ईगो टूटना है, कुछ लोगों को जो है अपनी रियल मेरे को गादवड़ी यार इस उसमें आ रहा है डिक्शनरी में मेरी अंदर की, मैं वही वर्ड यहाँ पे बोल देती हूँ क्योंकि वो मेरे को हिंदी पंजाबी इंग्लिश में वर्ड नहीं मिल रहा। तो जब लोगों को आप दिखाओगे कि अब तक जो आप नहीं कर पाए थे, फाइनली जब आप अचीव करते हो, तो बहुत सारे लोगों का घमंड और ईगो जो है ना क्रैश होता है, टूटता है ना, तो इसलिए कर पाएंगे आप। और काफ़ी सारे लोगों को आप अपने सामने, अपनी एनर्जीज के सामने बहुत ही कम देखोगे, और ऑलवेज बिलीव योर सेल्फ बट इन हम्बल वे, हम्बल एंड ग्राउंडेड वे, है ना। मजा है इस रीडिंग में भी। थ्री ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी। एक चीज आपको मैं बताती हूँ, कभी कभी लाइफ में क्या होता है ना, छोटी छोटी चीजें छोड़कर आगे जो है बढ़ना पड़ता है, ठीक है। नहीं चीज समझ में आ रही, जस्ट आगे बढ़िए, नहीं आ रही, नहीं है आपके, मतलब कि नहीं है कुछ आपके, उसका आगे, जस्ट आगे जाना है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है जो कि आप करेंगे। और अगर कुछ प्लानिंग एंड प्रेपरेशन को सोचा हुआ था, इतने टाइम से सोचा हुआ था, तो भाई वही चाहिए, फिर उसी को ही इम्प्लीमेंट करना है, द थिंग विच इज राइट फॉर यू। ये नहीं है कि कहीं पर भी हमें बस मजबूरी में हम कोई भी डिसीजन, एक्शन या कुछ भी ले रहे हैं। रीडिंग बहुत ज्यादा लेंदी होगी और मुझे पता ही नहीं लगा। खैर, एक तो और कार्ड सीखते हैं।
अरे नंबर फाइव को तो हमने यहाँ पे वो आपकी इसमें ना, मेरे को व्हील ऑफ फॉर्चून बार बार दिख रहा है, जो कि बहुत आ गया हाथ में, रख लें इसको, अपने आप आया, मैंने नहीं लिया, हम डालेंगे। ओए होए, अच्छा वाह, अब देखो मेजर अरकाना निकल के आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है द लवर्स का कार्ड, है ना। तो ऑफकोर्स मैंने आपको बोला ही था कि आप किसी स्ट्रांग जर्नी में हो, अब तक तो जो था आपके साथ जस्टिस सर्व नहीं हुआ था, अब तक जो है जस्टिस सर्व नहीं हुआ था, इसलिए बार बार ना व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड जो है निकल कर नहीं आया था। हो सकता है ये वाला जो ग्रुप हो, सैटर्न एनर्जी स्ट्रांग हो इस वाले उसमें, या अभी तक आपको ना जस्टिस नहीं मिला है आपकी कुछ चीज़ों को लेकर। जस्टिस मिलेगा यहाँ पे, मेंटोर गुरु, एक फाउंडेशन, कुछ सॉलिड रखना, आप लोग एक काफ़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी भी हो किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ को संभालने के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह को उठाने के लिए। यहाँ पे जो जस्टिस का कार्ड है ना, वो अपराइट नहीं होने की वजह से ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, ये बैकग्राउंड में ही रह गया था। व्हील ऑफ फॉर्चून मैं हमेशा ग्लोरीफाई करूँगी इसको मैं थकती नहीं हूँ। लक, ग्रोथ, एक्सपेंशन, हायर अथॉरिटीज़ का जब हम पर ब्लेसिंग्स होती हैं, है ना, तो ये वो कार्ड होता है। अब जस्टिस का कार्ड रिवर्स में होने का रीज़न क्या हो सकता है? सो मैनी रीजन्स। आप लोगों को इस क्वीन ऑफ कप से, इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तक की जर्नी तक लेके आने की वजह से जस्टिस आपका रिवर्स में था। जस्टिस क्या होता है? वो कार्ड जो कि हमें कर्मास का कार्ड, जो कि हमें लाइफ में डिसिप्लिन सिखाता है, कुछ लेसन सिखाता है अबाउट दिस मटेरियल वर्ल्ड, इस यहाँ के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, हम कैसे रहते हैं यहाँ पे, वट एवर इट इज़। तो ये कार्ड ही हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर आता है, ठीक है जी। और जैसे कि आपका बॉटम में भी था यहाँ पे लवर्स का कार्ड, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगेन, यहाँ पे काफ़ी हाई लेवल का सोल उसका जर्नी आ रहा है। पहले अगर देखा जाए, अगर आपकी कोई पर्सनल लाइफ, आपका कोई पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज भी रहे होंगे, तो कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी रहे होंगे और बहुत जल्दी ही आ गए होंगे, बट वो जर्नी जो है काफ़ी आगे लॉन्ग टर्म तक चली होगी। हो सकता है कि डेस्टिनेशन तक तो यहाँ पर पहुँचेंगे आप लोग, डेस्टिनेशन तक तो फॉर श्योर पहुँचेंगे, क्योंकि जैसे ही आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के उसमें आ जाते हो ना, वैसे ही आप जो है हायरोफेंट का कार्ड उसके बाद आ गया था। मैं यहाँ पे अगेन, अगर हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड करें, क्योंकि कई बार कुछ रीडिंग जो होती है ना, थोड़ा सा डिफरेंट उसमें चली आती है, यहाँ पे मुझे फेमिनाइन एनर्जी, मेल हो या फीमेल हो, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड लग रही थी, जो कि काफ़ी टाइम के बाद धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप चेंजेस करके यहाँ पे उसमें आ रही है, और इसकी वजह से लाइफ में चेंजेस भी आएंगे, चेंजेस आ भी रहे हैं, ठीक है। और हम ना यहाँ पे ज़्यादा टाइम लगा दिया भाई, अब देखते हैं आपका, इन्हीं कार्ड से नहीं देख पाएंगे, है ना, तो मैं दूसरे लेती हूँ। थोड़ा सा आपका मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में देखते हैं कि अब देखिए, जैसे कि मैंने बोला, हम फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी का कॉम्बिनेशन होते हैं, है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा वो चीज़ देख लिया जाए भाई। अब सिर्फ मैस्कुलिन एनर्जी का बताइए कि हमारी मैस्कुलिन एनर्जी कैसी है मैस्कुलिन एनर्जी इसे कहते हैं कि एक पेयर की एनर्जी होना। कैन यू सी दिस क्वीन, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ रही आपकी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये है आपकी मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी है जो कि बहुत अच्छा है होना, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे किसी पर्सन की बात की जाए, है ना, पर्सन की बात की जाए, तो पर्सन थोड़ा सा अचीव्ड हो सकते हैं, लियो की एनर्जी हो सकती है, लियो जैसी एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, चाहे ये उसका कार्ड है अर्थ साइन का, फिर भी यहाँ पे लियो की एनर्जी होगी, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा साइन हो सकता है, इनमें से कोई एक पर्सन तो पहले ही अच्छे उस पर हो सकते हैं, किसी भी अच्छे उस पर हो सकते हैं। इंट्यूशन पावर, नो डाउट, आपकी इंट्यूशन, आपके राइट डिसीजंस ने ही आपको लाइफ में, आप दोनों में से किसी एक पर्सन को जल्दी सक्सेस दिला दी होगी, है ना। और देखते हैं आपकी आपकी पर्सनल मैस्कुलिन एनर्जी कैसी है। एम्प्रेस अभी रिवर्स में है, बट इस कार्ड में ना, मैं कभी इन कार्ड्स को मैं रिवर्स में ऐसे नहीं लेती, उसका एक रीज़न बताती हूँ आपको, क्योंकि कार्ड्स इतने स्मॉल है शफल करने में कि हम इनको रिवर्स में नहीं ले सकते, अनलेस दे फॉल। अब क्या आप देखेंगे यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, अब आया है, जिसको मैंने सबसे पहले बोला था आपका,
आपकी मैस्कुलिन एनर्जी के बारे में जानते हैं। देखिए मैस्कुलिन एनर्जी जो है आपकी, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने नो डाउट जर्नी आपकी टफ रही है, प्रॉब्लम्स देखी हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देखी हैं, फाइनेंसिस में देखी होंगी, है ना। अब जो मैस्कुलिन एनर्जी है ना, यहाँ पे स्ट्रांग है, ब्रेन काफ़ी अच्छा है, डिसीजन लेने की पावर काफ़ी अच्छी है, लीडरशिप की क्वालिटीज अच्छी हैं, बॉसी नेचर है यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छा है। मैस्कुलिन के अकॉर्डिंग अगर इस वाले इसको देखा जाएगा ना, हे जस्टिस, जस्टिस का कार्ड अपराइट, वाव, तो वाव ग्रेट। आप लोगों की लाइफ में ना एक एक करके चेंजेस आएंगे। अच्छा अगर यहाँ पे आपके पर्सन की बात की जाए ना, तो भाई कुछ लोगों का होता है ना मैस्कुलिन एनर्जी का, उनका एक जैसा ही नेचर होता है, किसी चीज़ों के बारे में अगर एक थॉट प्रोसेस बन चुका है तो उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर ऐसा ही रहेगा, लाइफ में स्लो प्रोग्रेस है, यहाँ पर स्लो चेंजेस हैं बट स्टडी है, है ना। और कुछ भी देखते हैं, आपका विश फुलफिलमेंट यहाँ पे जरूर होगी, जस्टिस की तरफ आप बढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने जो देखा है आपका ये ओके, यहाँ पे जो कार्ड आया है आपका वो है हमारे पास फोर ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि ऐसे आया है आपका। कौन है यहाँ पे जो कि नहीं हो रहे हैं, मैं समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें, छोड़ूं या रखूं या पकड़ूं या क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सिचुएशन ऐसी है। यस सिचुएशन ऐसी है राइट नाउ ना, देखिए अभी क्या हो रहा है। मैस्कुलिन एनर्जी का अगर यहाँ पे थोड़ा सा बात की जाए, आपके अंदर के एनर्जी का अगर यहाँ पे बोला जाए, पीछे बैकग्राउंड में बच्चों की आवाज़ आएगी, तो प्लीज़ उसको ना थोड़ा सा इग्नोर करना। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप एक्चुअली क्या है अब इस वाले ग्रुप को, थोड़ा सा परेशान स्ट्रेस चिंता में हो सकती है मैस्कुलिन एनर्जी या फिर खुद, क्यों, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी को मैं वैसे अर्थ को ना हम फीमेल एनर्जी बोलते हैं, बट अगर आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा भाई, सबसे ज़्यादा जो हम लोगों को इश्यूज होते हैं ना, वो होते हैं आपके मेल्स को, बिकॉज अर्निंग की तरफ उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है ना, कि एक स्टेबिलिटी चाहिए, कि ये चाहिए। फीमेल्स का क्या है, एक लेवल तक आपने अचीव कर लिया और आप लोग, हम लोग सेटिस्फाइड शांत हैप्पी हो जाते हैं, बट मैस्कुलिन्स का यहाँ पर नहीं होता। तो यहाँ पर वो न्यू बिगनिंग्स नहीं होने की वजह से, वो जो चीज़ चाहिए नहीं होने की वजह से, नहीं मिलने की वजह से थोड़ा सा दिमागी परेशानी जो है चल रही है। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं ठीक भाई, इसको तो आपकी हाई प्रिस्टेस से ठीक कर सकती है, क्योंकि है यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड, है ना, या हाई प्रिस्टेस का कार्ड, ठीक है ना। अब हाई प्रिस्टेस क्या, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बोलूँगी कि या तो भाई आपको किसी ना किसी की ऐसे जो होते हैं उनका गाइडेंस वगैरह चाहिए, ये चीज़ है, अदरवाइज या पर्सन खुद भी हो सकते हो। रीज़न जानना है बिहाइंड में कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या करें। रीडिंग बहुत ही ज़्यादा लंदी हो गई है और नहीं करनी, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रेजोनेटेड विद यू, इफ़ यस लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच आप लोगों की ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। रेकी के ग्रुप का लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हीलिंग के लिए, हीलिंग खुद सीखने के लिए, ताकि हम बार बार हर बार सेशंस के लिए पे नहीं करें और पता नहीं लगता काम कर रहा है या नहीं, जब तक कि रिजल्ट्स नहीं आए। खैर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। हैव अ नाइस ब्यूटीफुल वंडरफुल डे एंड बाय बाय। ये ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज किया है आपका, ये लैपिस लाजुली थ्रोट चक्रा, देखते हैं आपका रीडिंग क्या आती है, आपके एनर्जीज क्या आते हैं, आपके कार्ड्स क्या आते हैं। लैपिस लाजुली या क्रिस्टल्स आपको पसंद है, हो सकता है ब्लू कलर पसंद हो, स्काई ब्लू कलर पसंद हो, कुछ लोगों का हो सकता है यहाँ पे मैरिज होने वाला है, मैरिज हुआ हो रिसेंट, या फिर आप कुछ ना कुछ नया परचेजिंग करना चाहते हो, जो कि मुझे यहाँ पर लगता है। चलिए अब देखते हैं आपकी एक पर्सन की खुद की मैस्कुलिन या फेमिनाइन एनर्जी पेज ऑफ सोर्ट्स। सबसे पहले तो ये ग्रुप जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, कोई भी काम ऐसे ही नहीं करता, बहुत सोच विचार के करते हो, रिसर्च वगैरह में बहुत बिलीव करते हो, तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल आप इसको रखिए आप अपने उसमें, है ना। और कुछ देखते हैं कार्ड्स क्या आ रहे हैं। हो सकता है ग्रुप थोड़ा सा कहीं पर कुछ वेट भी कर रहा है, हाँ इतने सारे को कार्ड्स कौन लेगा, एक एक करके चाहिए, क्योंकि हम कर रहे हैं या द लवर्स का कार्ड, नंबर 6 का कार्ड। ये नंबर 6 क्यों दिया गया यहाँ पे, इसमें नंबर 6 थोड़ी देना चाहिए यहाँ पे। नंबर 6 का होता है वैसे यहाँ पे ना एक ना इस देखिए मुझे मैंने कोई प्रोफेशनल टैरो रीडर भी नहीं हूँ, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। नंबर 6 होता है वैसे डेविल का नंबर, और यहाँ पे दिया गया है द लवर्स के कार्ड को, वाई तो मैं साहब तो कॉम्बिनेशन बना देते हो इस तरह से, इसके बाद आ गया आपका 5। भाई ये ग्रुप जो है ना
इस ग्रुप का ना एक ना डिफरेंट सा स्टोरी बुक हो रहा है। बताऊँ आपको, यहाँ पे दो डिफरेंट पर्सनालिटीज़ आपकी, दो डिफरेंट तरह की पर्सनालिटीज़ आ रही हैं, खुद भी कन्फ्यूजन वाले हैं। ग्रेट नैरो हैंग्ड मैन, यस, मैं यही चीज़ आपको बोल रही थी। ये ग्रुप जो है ना, मुझे यहाँ पे पता नहीं क्यों लगता है अपने ही ज़्यादा उसमें रहते हो आप, रूल्स एंड रेगुलेशंस को उस तरह से फॉलो नहीं करते हो, चीज़ों के आपको शॉर्टकट चाहिए लाइफ में। हो सकता है चीज़ें कुछ स्टक हो रखी हो आपकी, मे बी मैरिज, कुछ बिजनेस या फिर कुछ काम, इसी रीज़न की वजह से। अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो भाई कैसे होगा, करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता ना, जहाँ पे हम चाहें वहाँ पर चला ले, और जहाँ पे नहीं चलेगा तो हम उसको वो कर दें, है ना। दिस इज रॉन्ग। या फिर आता है आपका कप्स का कार्ड। यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी जो है ना, मैस्कुलिन एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं दिख रही है मेरे को। परेशान है, कन्फ्यूज है ना, शॉर्टकट चाहिए, अपना ही एक वो है यहाँ पे चीज़ों को लेकर। और जो फेमिनाइन एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है, आपकी फेमिनाइन एनर्जी ही आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को संभालती है, है ना। अब ये जो, अच्छा ये जो रीडिंग है दो तरह से एप्लीकेबल होती है, कुछ लोग चाहें तो इसको आप अपनी और अपने पार्टनर की रीडिंग भी ले सकते हैं, बट ये हमारी खुद की एनर्जीज भी हैं, है ना। मैस्कुलिन एनर्जी में सब, आप क्या सपोज आपको लाइफ में कुछ काम करना है, कुछ चाहिए, कुछ अर्निंग करनी है, तो आप हमेशा शॉर्टकट्स मत देखिए, कन्फ्यूज नहीं रहिए, और ना बैड चॉइसेस को, बैड ऑप्शंस की तरफ मत चूज कीजिए, जल्दबाजी में नहीं रहिए, ये कर लेता हूँ वो कर लेता हूँ। हमेशा ध्यान ना, हमेशा ना बेकार ऑप्शंस को मत चूज करिए, उनकी तरफ ही ध्यान मत दीजिए, ठीक है। ट्रू चीज़ों को छोड़कर, उनके बारे में छोड़कर जो है नहीं जाइए। आपकी फेमिनाइन एनर्जी जो है आपकी, जो अब फेमिनाइन एनर्जी क्या होती है, हमारी इंट्यूशन भी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल लेवल भी हो सकता है, या कुछ भी, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर आपके एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, उसकी हेल्प से, उसकी वजह से आपकी वीकनेसेस को कंट्रोल किया जाना, है ना, जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है। यहाँ पे ये मैस्कुलिन एनर्जी एक्चुअल में यहाँ पे परेशान है, है ना, किसी तरह के लॉस को बियर किया है, या फिर पर्सनल लाइफ जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैं अच्छी नहीं देख पा रही हूँ। ओहो, बहुत जोर से रंबलिंग हो रही है बादलों की, है ना, जबरदस्त बारिश आने वाली है। ये है आपका थ्री ऑफ पेंटिकल्स है हमारे पास रिवर्स में, एट ऑफ सोर्ट्स। देन वैसे मैं इतने कार्ड्स लेती नहीं हूँ, पर अब आ गई है, मेरा ध्यान नहीं था उसकी तरफ, ध्यान चला गया तो हमने ले लिए। थ्री ऑफ पेंटिकल्स नहीं बन पाया है, जो चाह रहे हो वो नहीं हो पा रहा है उस तरह से, ठीक है, जिसकी वजह से एट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में हो, निकलना चाहते हो, परेशान हो, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है। यहाँ पे एक और चीज है, आपको जो है ना खुद के ही मेंटालिटी में, लिमिटेड परसेप्शंस में कैद नहीं रहना है, प्रिजनर नहीं बने, वहां से बाहर निकले। अगर आप बाहर निकलोगे ना तो हो सकता है कुछ स्ट्रगल के बाद बहुत बड़ा गेन भी मिले आपको, बट एक चीज है आपके बारे में, हो सकता है कुछ लोग काफ़ी आगे तक पहुंचते हो, फिर उसके बाद वहीं पे ही स्टॉपेज लग जाता हो किसी चीज़ का, तो ऐसा आपके पास साथ होता है, क्यों, क्लैरिटी नहीं हो पाती बीच में, अचानक से चीज़ें ना बीच में कुछ ऐसी ऑब्स्टेकल्स या कुछ ऐसे कन्फ्यूजन्स आ जाती हैं जो कि उस प्रोसेस को वहीं पर ही रोक देती हैं, है ना। तो और देखते हैं आपकी एनर्जीज के बारे में कि आपकी मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज जो हैं कैसी हैं। मैस्कुलिन एनर्जी का मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ कि भाई मुझे आ रहा है थोड़ा सा यहाँ पे वो हार्ट चक्रा, ये ग्रुप कौन है भाई, इसका हार्ट चक्रा जो है अभी इश्यूज हैं, ब्लॉक्ड है, निडल जैसा कुछ होता है ना, लिटिल थोड़ा सा वैसा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है, हो सकता है किसी से लड़ाई झगड़ा या फिर कुछ ऐसा हुआ है, है ना। गुस्सा अपना नुकसान करता है, दूसरों का नहीं। फाइव ऑफ वॉन्ड्स का आगे कार्ड है, फेमिनाइन एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग लग रही है इस ग्रुप की। अगर आपकी खुद की भी एनर्जी है ना तो वो स्ट्रांग है, फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रांग है यहाँ पे। नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, देखिए ये कार्ड एट ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, एक ही बात है यहाँ पे आ चुका है, परेशानी, चिंता, ओवर थिंकिंग, क्योंकि एट ऑफ सोर्ड्स से जब बाहर नहीं निकलोगे ऑफकोर्स आगे तो फिर नाइन ऑफ सोर्ड्स ही मिलेगा ना आपको, मतलब सिचुएशन और वर्स्ट होती जा रही है वहाँ पे, है ना। तो बेटर है कि हम
उस सिचुएशन को सिक्स ऑफ सोर्स से आगे नहीं बढ़ने दें। सिक्स ऑफ सोर्स से, सोर्स जो होता है ना टैरो में, अगर आप देखोगे सिर्फ सोर्स ही ऐसा है जो कि नेगेटिव उसमें आता है। क्यों? कंपैरिजंस। देखिए सोर्स कितना आ रहा है आपके केस में, दिमाग बहुत लगता है, आपके दिमाग बहुत चलता है, दिमाग की वजह से दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस, अपना ये वो बहुत है, और माइंड को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है आपके ब्रेन, ब्रेन मीन्स मस्कुलिन एनर्जी से, ना फेमिनाइन एनर्जी। देखते हैं और भाई आपकी मस्कुलिन एनर्जी छोड़िए, फेमिनाइन एनर्जी का बताइए, बता चुके हैं इसको इम्प्रूव करना है, करेंगे करेंगे। वाह। और इसके देखिए फिर से सोर्स की एनर्जी भी, यहाँ पे लिब्रा जमीना एक्वेरियस कौन है, फिर से सोर्ड पोस्टपोनमेंट, हाँ जी पता है चीज़ें डिले हो रही हैं क्योंकि हम ना चिल्ड रिलैक्स तो रहना ही नहीं जानते हैं, केयर फ्री टेंशन फ्री। आहा, ये है आपके अगेन फेमिनाइन एनर्जी, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा फायर साइन हो सकता है कोई एक यहाँ पे, फायर साइन मीन्स आपका एरिस एरिस लियो और सजिटेरियस। वाओ बहुत अच्छे। तो यहाँ पे क्या है आपका सक्सेस का कार, ये सी यहाँ पे भी, यहाँ पे हॉर्स, दिस फीमेल एनर्जी इज राइडिंग ऑन हर हॉर्स, और यहाँ पे टाइगर। आपको आपकी फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस में रखने की वजह से, सुनने की वजह से, फॉलो करने की वजह से नेम फेम ह्यूज सक्सेस मिलती है। आपके पैशंस, आप जो चाहते हो, आपकी जो डिजायर है उसको फॉलो करें, ना कि अपने दिमाग से चलें बहुत ज़्यादा, है ना। और कैसे कंट्रोल कर सकते हो राइट नाउ, अगर सिचुएशन ऐसी है तो टर्निंग इन मेडिटेशन, प्रेयर्स, अच्छे मूड में रहना, इमोशनली खुद को बैलेंस करना। तो जो आपको बार बार नेगेटिविटी आके हमारा बेड़ा गर्क कर देती है, वो हम वो नहीं कर पाएगी अगर हम ऐसे हो जाएंगे तो। आई नो पंजाबी का वर्ड बोला है मैंने। नाइन ऑफ राइपनेस का कार अगेन फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे सारी आ रही है आपके भाई। इंट्यूशन को सुनो, इंट्यूशन को फॉलो क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल इंट्यूशन को, ऐसा नहीं कि कुछ भी उसको सुनो, ठीक है। चीज़ें फ्रूटफुल होंगी आप अगर कहीं पर जाना चाहते हो, ठीक है। और दूसरों के ना, दूसरों के चालू लोग जो होते हैं ना, उनकी ना बेकार सी जो वो जो क्या बोलते हैं उसको, मैं वर्ड भूल गई हूँ, जो दाना डालते हैं समथिंग ऐसा कुछ बोला जाता है ना, एक और वर्ड मिल रहा था मेरे को यहाँ पे, भूल गई मैं, उसमें नहीं फंसना है, ठीक है। अगर आपको विश्वास है आगे बढ़ जाइए, कोई भी काम है उसको करना है, आपको उसमें सक्सेस जरूर मिलेगी। इंट्यूशन को सुनिए, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। और ना कुछ लोगों की, ओवर स्मार्ट लोगों से या कुछ ऐसे लोगों से जो कि खुद तो कहीं पे नहीं है, आपको भी नीचे लाना चाहते हैं, तो उनसे आप थोड़ा सा बचें। आपके लिए ये चीज़ बोला जा रहा है यहाँ पे। किसी भी तरह का ना, एक तो अपने दिमाग में गिल्ट परेशानी है, या आप लोगों का ब्रेन जो है ना वो आपका एनिमी है ग्रुप नंबर टू का। क्या फिर से आ गया है इसमें, बहुत अच्छे। ये कार्ड और ये कार्ड सेम है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ट्रस्ट रखिए। देखिए आपको बोला जा रहा है ट्रस्ट रखिए, हैव फेथ। नहीं तो वही चीज़ें बार, ये इसलिए इसको अंदर डाला है क्योंकि आ चुका है ना। और कार्ड्स देखते हैं क्या आते, जजमेंट। दोनों एनर्जीज बैलेंस होंगी, ठीक है। आप अपनी जो है एनर्जीज भी बैलेंस होंगी, जो कि एनर्जीज आपको अब तक परेशान कर रही हैं, मीन्स आपका ब्रेन या आपकी मैस्कुलिन एनर्जी जो भी प्रॉब्लम में थी उसमें चेंजेस आएंगे। ये आपका बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड बोला जाता है इसको, अवेकनिंग का कार्ड बोला जाता है इसको, है ना। समटाइम्स चीज़ों को जो है ना, हमें नजरिया पूरी तरह से ही बदल कर सोचना, देखना, समझना पड़ता है, जो कि आपके केस में होने पर यहाँ पे काफ़ी बैलेंस आएगा। और आपका जो भी पर्पस होता है, जो भी टारगेट है, जो भी गोल है, आप उसको अचीव करोगे, क्योंकि जाना वहीं पर ही है सबको, बट हम क्या कर लेते हैं ना, लेट, बहुत लेट, जल्दी या फिर बहुत जल्दी, दोनों ही ख़राब है शायद अपने आप में। तो ये कार्ड जो है 20 का कार्ड है, 10 10 20, अभी तक चल रहा था पोस्टपोन, जो कि हमने नहीं करना है। एज अ फेमिनाइन एनर्जी आपकी बहुत स्ट्रांग है, मैं अगेन आपको ये बोलना चाहूंगी, मैस्कुलिन एनर्जी के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखें। अब यहाँ पर ये कार्ड आया है जी आपका रिसेप्टिविटी का, अगेन ये होता है आपका क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। तो बोला जाता है आप कुछ हीलिंग से, इमोशनल लेवल पर जितना आपको केयर नर्चर
और या मदर यूनिवर्स की फिर से आ गया, एनर्जीज लोगे ना तो उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। वाटर की एनर्जी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस की भी यहाँ पे एनर्जी है जो कि इमोशंस की एनर्जी है। फिर है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, सी जितना हम अंडरस्टैंड करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, टर्निंग इनवर्ड करते हैं, अंदर की तरफ जाते हैं, सोचते हैं चीज़ों को डीप लेवल पर, समझते हैं, हीलिंग करते हैं खुद की, इन चीज़ों को ओपन रिसेप्टिव रहते हैं, उतना ज़्यादा हम जो है ऐसे आगे बढ़ते हैं अपने सक्सेस की तरफ, अपनी लाइफ पर्पस की तरफ। एक दो कार्ड्स हो जाए आपके। ओके अच्छा, अगर ना मैं यहाँ पे देखिए, आप लोग डिजर्व करते हो हैप्पीनेस, इनोसेंस का कार्ड है, हैप्पीनेस, रिलेशंस, बिजनेस, सक्सेस वगैरह डिजर्व तो आप लोग बिल्कुल करते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है ना आपके साथ, आपका स्ट्रेस, आपको कोई अगर बार बार पोक, एक ये ग्रुप का प्रॉब्लम यह है बहुत जल्दी जो है ना किसी के पोक करने पर आपको अफेक्टेड हो जाते हो, सेंसिटिव हो तो ना तो अफेक्ट हो जाते हो तो जैसी सोच होती है फिर वैसे ही आपके कर्म काम भी हो जाते हैं तो आगे तो फिर अगेन बेड़ा गर्क तो होना ही है। न्यू विजन से आपके लिए वही चीज आ रही है, तब तक नहीं होगा जब तक कि आप अपने लाइफ में न्यू विजन नहीं देखते हो। और अगर हर चीज़ से सिर्फ यही देखते हो कि मेरे को इसमें मिलेगा क्या, होगा क्या, ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, वही अगर ब्रेन का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो ब्रेन न्यू विजन कहाँ से आएगा। न्यू विजन का यहाँ पे मीनिंग ये होता है जब आप नए तरीके से किसी चीज़ को इक्वल गिव एंड टेक करके जब उस तरह से चीज़ रखते हो, आप खुद भी रेडी रहते हो। हर बार हमें लेना ही नहीं होता, बहुत बार नो डाउट हम हमेशा कंप्लेन करते हैं कि हमने इतना कुछ किया यहाँ पे मिला नहीं, तो वो हमारी मिस्टेक है ना, हम रॉन्ग जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर ऐसा है तो भाई एक्शन लेने के लिए, फर्स्ट स्टेप लेने के लिए रेडी रहे आप अपनी मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ, उसको बैलेंस करने के लिए। रीडिंग बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता कितने मिनट की हुई है अभी, है ना जी। सो वो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, आई होप रेजोनेटेड विद यू, इफ यस लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच आप लोगों की ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। हीलिंग अगर आप सीखना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप खुद तो अपना हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों का कर सकते हैं, चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। हैव अ नाइस ब्यूटीफुल वंडरफुल डे अहेड एंड थैंक यू सो मच। ये ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी चूज किया है आपका, ये सोलर चक्रा सनस्टोन को देखते हैं आता क्या है आपके रीडिंग में। मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जीज को लेकर क्या प्लानिंग प्रिपरेशन चल रही है भाई, खाली प्लानिंग प्रिपरेशन चल रही है कि उसको हमने इम्प्लीमेंट भी करना है आपकी तरफ से नहीं तो किसी और की तरफ से आपके लाइफ में, है ना जी। ओके नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, बैकग्राउंड के चल रहे म्यूजिक को अवॉइड करें, एक्चुअली क्या ना रेनी सीजन है ना तो सब एंजॉय करेंगे देखना। फिर है आपका 8 ऑफ कप्स का कार्ड, बताते हैं यहाँ पे तो कुछ अलग ही है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड। अच्छा मुझे ना जो फर्स्ट थॉट आया है ना इस वाले ग्रुप को लेके, भाई डिले हो जाए उससे पहले कोई भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लो, जहाँ पे जो काम करना है कर लो, डिसीजन लेना है ले लो, भागना है भागो इससे पहले कि लेट हो जाए और हम बैठकर देखते रहें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कोई चीज़ हमारे लिए ही बनी होती है, वही चीज़ सिर्फ हमारे लिए होती है, बाकी अगर आप हम ये सोचें कि हम कुछ और कर लेंगे इसके बदले में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक्चुअल में वैसा होता नहीं है। यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबल बनना है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाओ और संभालो, क्योंकि वही अल्टीमेटली आप ही के लिए है वो चीज़, है ना, वो आपके लिए ही है और उसी से ही आपकी सक्सेस कनेक्टेड है। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कुछ चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है, अटैचमेंट्स को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। जरूरी नहीं होता कि हमारे कुछ लोग जो कि हमारे नज़दीक, हमारे आसपास, हमारे बहुत क्लोज ब्लड रिलेशंस में या उनसे रिलेटेड होते हैं वो हमारे लिए हमेशा बेनिफिशियल हों। सो यहाँ पे थोड़ा सा इस वाले ग्रुप को अगर ये मैसेज समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा समझ जाएं। यस,
हीलिंग की यहाँ पे ज़रूरत है, कुछ चीज़ों की हीलिंग की यहाँ पे ज़रूरत है, समझने की यहाँ पे ज़रूरत है, लाइफ में आपके लव की ज़रूरत है, क्योंकि अब तक चीज़ें जो हैं स्टक होकर रखी हुई थी, जिसके वजह से डाउनफॉल हुई जा रहा है, हो रहा है। टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड है आपका मजिशियन का कार्ड। ओह गॉड, सो सॉरी फॉर बैकग्राउंड। हाँ, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड, मुझे पता नहीं यहाँ पे क्यों लग रहा है भाई, इस वाले ग्रुप को नहीं तो इस वाले ग्रुप के लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपको ना कहीं पे अपनी लव लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, भागने की नहीं। मीन्स कुछ डिफरेंट, हर बार एक डिफरेंट से अपना वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जो आप एक्चुअल में हो वैसे ही हो, आप खुद को ही क्लियर नहीं कर पा रहे हो, खुद हो आप। मतलब समटाइम्स क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता हम क्या है, कहाँ है, कब है, करना क्या है, उस तरफ हमें जाना भी है या नहीं जाना है। सही फॉर्म, सही शेप देने की ज़रूरत है यहाँ पे, इस वाले ग्रुप का बहुत ज़रूरत है अपनी फेमिनाइन एनर्जीज के ऊपर वर्क करने की। ठीक है, मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे, मैं थर्ड वाले ग्रुप में ये नहीं आ रहा कि क्या स्ट्रॉन्ग है क्या लेस है, बट आपको यहाँ पे ज़रूरत है आपके रिलेशंस, आपके फैमिली में कुछ न्यू, काफ़ी सारे एफर्ट्स करने की, आपकी खुद की हैप्पीनेस, पीस, वट एवर इट इज़। यहाँ पे दो तीन चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन करिए भाई, मैनिफेस्टेशन करिए और उसके लिए काम भी करिए। मैनिफेस्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि हम चीज़ों को कॉपी पर लिख दें, नोटबुक पर लिख दें, पानी से वो लें, विश लिस्ट बना दें तो वो मैनिफेस्ट हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भी हमें पॉजिटिव रहना पड़ता है, एफर्ट्स करने पड़ते हैं, तब जाकर चीज़ें होती हैं, अपने आप से कुछ नहीं होता है। कुछ चीज़ों को आपको बोला जा रहा है कि भाई करो करो, है ना, डिलेस हो रही हैं, डिले क्यों हो रही हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव इश्यूज हैं, कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं यहाँ पे, है ना, किसी भी चीज़ के साथ हो सकती हैं, जैसे रोका जा रहा है कुछ है यहाँ पे जो होने से ना रुका जा रहा है, बट उसको आपको ठीक करना है, उस चीज पर लाकर। लेट नहीं हुआ है कुछ, टाइम हाथ से नहीं गया है, लेट कुछ नहीं हुआ है, अभी भी आप अचीव कर सकते हो, क्योंकि पहले आप अचीव और एफर्ट्स वगैरह कर चुके हो। इस मेंटालिटी में नहीं रहे, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, मुझसे नहीं होता है, मैं ऐसे, मैं वैसे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक्सक्यूजेस हैं आपके रियल सेल्फ के सामने। यस, बाहर निकलना है, बिल्कुल बाहर निकलना है, सिक्स ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी, निकलना है, और बहुत स्लो नहीं, बहुत जल्दी। टाइम मुझे पता नहीं क्यों इस वाले ग्रुप के लिए लग रहा है कि जी टाइम कम है। यस, क्वीन ऑफ सोर्ट्स, अचीव आप कर सकते हो इस चीज़ को मजिशियन के से, बट यहाँ पे ना थोड़ा सा समझेंगे, वाओ गुडनेस, अभी तक चीज़ें जो है डिले हो रही थी, फेवर में नहीं हो रही थी, अपना फैमिली सोल पर्पस, ये सब चीज़ें जो है ना बार बार आपके हाथ से छूट रही हैं ये कुछ चीज़ें आपके हाथ से। आप अगर चाहें इन चीज़ों के लिए थोड़ा सा भी पैशनेट हो जाएं, रेडी हो जाएं, तो बहुत ही जल्दी इन चीज़ों को ना अचीव कर सकते हो। देखते हैं कार्ड्स क्या हैं। जो चीज़ों को आप ही रोककर बैठे हुए हो, अपनी चीज़ों को भाई, आप ही को उनको वापस से उनको वेलकम करना होगा, बहुत ही लविंग तरीके से, बहुत ही आराम से, प्यार से। और क्योंकि ब्लॉकेजेस भी मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, ब्लॉकेजेस भी इसी ग्रुप ने ही खड़ी की हैं, तो ख़त्म भी आप ही को करनी पड़ेंगी, है ना। और यहाँ पे इसके अलावा, क्योंकि ये रीडिंग ऐसी है, बाकी चीज़ें भी देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। और आपके यही वाले एफर्ट्स जो हैं आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस, हैप्पीनेस लेकर आएंगे, पर ये अभी शॉर्ट टर्म है, जो कि लॉन्ग टर्म में शायद प्रॉस्पेरिटी में कन्वर्ट हो सकता है। ये है तो थ्री ऑफ कप्स का कार्ड, हो सकता है कि फ्यूचर में जाकर ये सेवन ऑफ पेंटिकल्स बन जाए, है ना। आप अगर आपकी एज अ पर्सन बात करेंगे तो कुछ काम को लेकर आप बहुत क्विक हो, फास्ट हो, परफेक्शन के इस पर हो, कभी कभी आप बहुत डिफरेंट तरह के रूल्स भी प्ले कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ों में आप बहुत ही मीन्स कुछ चीज़ों को संभालने में, घर को संभालने में कोई बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, पूरा फैमिली, ये सब कुछ करने में बहुत अच्छे हो। यहाँ पे 10-10 का कार्ड दो बार आया है,
प्रोफेशनल तरीके से आप परफेक्शनिस्ट हो सकते हो, बट पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ यहाँ पर इश्यूज हो सकते हैं। बिजनेस अगर उसमें देखा जाए तो हमेशा आप एक्सेल करोगे क्योंकि आप करना चाहते हो इसलिए करते हो, पर जहाँ पे आप नहीं कर रहे हो वो चीज़ें ही आपको परेशानी दे रही हैं और परेशान कर रही हैं। वहाँ पे भी हमें अपने एफर्ट्स लगाने हैं, करने हैं, देने हैं, ठीक है जी। और कभी कुछ ऐसे ही अपने ही नॉन अपने ही लोगों से कभी कभी हमें जो है थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। ये ग्रुप ना नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ट्वाइस आ चुका है। मैं एक बात बताऊँ, इस ग्रुप के पास लकी है, अवेलेबल सब कुछ है और अपने ही एफर्ट से करते भी हो अवेलेबल, बट फिर भी अगर रुक रहे हो ना तो पता नहीं क्यों, दिस इज टोटली योर फॉल्ट। क्योंकि अवेलेबल आपके पास सब कुछ है, आएगा मिलेगा, आप हो ऑलरेडी ऐसे, इस ग्रुप का एकदम क्लियर है यहाँ पे। या आपके कार्ड वही बार बार उसी तरह से ही बार बार सेम कार्ड्स आ रहे हैं कि बहुत कुछ बताने के लिए यहाँ पे नहीं है। स्टोरी लाइन एकदम क्लियर है। देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स आई थी तो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स आ गए हैं, इक्वल लेवल। एम्प्रेस का कार्ड आप जानते हैं ना, एम्प्रेस का कार्ड मेरे लिए डेली एक बार ये जरूर आता है हर रीडिंग में। लास्ट टाइम जहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून था डेली, तो इस बार एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे डेली है। एम्प्रेस मीन्स क्या? फुलेस्ट लेवल पर अबंडेंस, वेल्थ, लव, मैच्योरिटी, केयर, नर्चर, मदर की एनर्जी, ब्यूटिफुल फेमिनाइन एनर्जी हेयर उसके साथ। बट हम अगर उसको बहुत ही लविंग, मैंने क्या बोला था, सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे, क्योंकि तीनों कार्ड हाथ में थे तो मैंने लेने थे, तो ये कार्ड आपके पास आएगा। जल्दी ही कन्वर्ट होगा। छोटी छोटी चीज़ों को रखने से कभी कभी वो चीज़ें बड़ी खुशी में लक बन जाती हैं। हमारा वेलकम आपको ही करना पड़ेगा, अप्रोच आपको ही करना पड़ेगा, पॉजिटिव आपको ही करना पड़ेगा। आप बहुत सारी चीज़ें पता है आपको, क्या होना है, कैसे होना है, जिसको आप जो है मुंह मोड़ कर जिससे आप बैठे हैं, एंड दैट इज़ नॉट गुड। तो और कार्ड्स देते हैं हम अपने इस ग्रुप के लिए, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स तो हैं काफ़ी। आई नो क्या फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ब्यूटीफुल है, पावरफुल है। राइट नाउ अभी अपने फुलेस्ट पावर में नहीं है। ओह, मैंने आपको क्या बोला था, देखिए अगर आप अपनी तरफ से कुछ ब्लॉकेजेस करेंगे तो चीज़ें खत्म हो सकती हैं। अपनी तरफ से हमेशा वेलकम करें, ओपन रखें, अपनी तरफ से कभी नेगेटिव नहीं हो किसी भी रिलेशन, किसी भी न्यू चीज़ को अगर आप वेलकम कर रहे हो। टाइम अगर सोच रहे हो कि चला गया है, नहीं गया है, अभी भी आपके टू ऑफ कप्स आपके पास हैं, जो टाइम गया गया, बट अभी भी ये टू ऑफ कप्स आपके पास पड़े हैं। और टू ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे भी आया है, टू ऑफ मून का कार्ड, वेरी नाइस। बट देखते हैं आप कितना जल्दी इसको आप जो है अपने उसमें करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या है ना, देखिए टैरो एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस के लिए तो बहुत अच्छा होता है, पर जब तक हम करेंगे नहीं तब तक तो वो कार्ड्स पर रह जाएगा ना आपका। अगेन फाइव ऑफ्स का कार्ड था, ये स्ट्रेंथ का कार्ड। मैंने क्या बोला, यहाँ पे भी आपकी फेमिनाइन एनर्जी काफी स्ट्रांग है। गाइड, लाइट वर्कर, टीचर, काउंसलर, डॉक्टर, बहुत बहुत ही अमेजिंग, जो कि हमारी सारी वीकनेसेस को बहुत ईजली कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत लविंगली और ईजली। इंडिपेंडेंट, ब्यूटीफुल, इंट्यूशन अच्छा, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और इसी से ही हम इन चीज़ों से ही बाहर भी निकल सकते हैं अपनी। जब जब हम स्टक होंगे तब तक हम बाहर निकल पाएंगे। मैं आपको ये बोलूँगी, अगर आप किसी अपनी एनर्जीज की तरफ कुछ करना चाहते हो लाइफ में, अगर आपने कुछ सोचा है करने का, इंडिपेंडेंट होने का, बढ़ने का, बिजनेसमैन बिजनेस वूमन बनने का, खुद का कुछ करने का, तो जस्ट मूव ऑन, बढ़ें। काम कहीं से भी स्टार्ट किया है, बस आगे बढ़ते रहें, आप फाइनल डेस्टिनेशन तक आप पहुंचेंगे। चेंज कर दिया ना हमने यहाँ पे स्टोरी लाइन को, क्योंकि जो समझदार है वो आगे बढ़ेगा। सी अगेन यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे भी थ्री ऑफ कप्स का कार्ड था। ओह ग्रेट, टेन ऑफ पेंटिकल्स के बिल्कुल ऊपर गिरा है टेन ऑफ कप्स का कार्ड, और यहाँ पे भी टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। भाई आपको आपका जो आपकी खुशी है ना, जो आपकी हैप्पीनेस है, वही आपकी प्रैक्टिकल लाइफ है, वही आपकी मनी है, वही आपकी अचीवमेंट है, वही आपकी लिगेसी है, वही आपकी रियल फैमिली है। वो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आप जानते हैं ना इस कार्ड का मीनिंग क्या होता है। मैक्सिमम जो टैरो रीडिंग देखते हैं वो जानते होंगे, 11-11 का कार्ड है। कुछ लोग इसको ट्विन का कार्ड बोलते हैं, कुछ लोग इसको मैरिज हैप्पीनेस सेलिब्रेशंस का कार्ड बोलते हैं, है ना। तो मैं अगेन वही फिर से टेन ऑफ पेंटिकल्स,
ये ग्रुप की रीडिंग एकदम क्लियर है भाई, आप ही को करना है जो करना है, बहुत जल्दी अचीव कर पाओगे, आपके हाथ में चीजें हैं। मैं नहीं मानती कि नहीं है, पास्ट में जो हो चुका है वो हो चुका है, अब हम चीजों को फिर से ठीक कर सकते हैं। पास्ट में कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है, वो पास्ट था, बट पास्ट को अगर हमसे कुछ हुआ है तो हमें उसके लिए ना, इसके लिए कोई भी देखिए डिफेंसिव नहीं होना है। कि आपकी लाइफ में अगर कोई है डिफेंस, मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है इस वाले ग्रुप के लिए, एनर्जी आपकी अगर आप मैजिशियन के उसमें हो तो बात, अगर आपको आपको पता है ना ऑलरेडी कि जाना ही यहीं पे है तो वेट क्यों करनी है, डिफेंसिव क्यों होना है, रुकना क्यों है, फियर क्यों है, फियर क्यों है। देखिए किंग ऑफ कप्स यहाँ पे रिवर्स में है, आप एक्शन से लेना नहीं चाहते, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, जाना ही नहीं चाहते, रुके हुए हो, या समवन इन योर लाइफ। अगेन यहाँ पे देखिए फाइव ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे बार बार कितना आ रहा है इस वाली रीडिंग में, एम्प्रेस नीचे आते आते इसकी वजह से फिर से रुक गई है, उसके नीचे ही एम्प्रेस था, फिर से यहाँ पे मजिशियन का कार्ड है, फिर से यहाँ पे मजिशियन का कार्ड है। चैलेंज क्या है यहाँ पे, डेविल, वाओ, सी चैलेंज क्या है यहाँ पे बोले तो डेविल आ गया, नेगेटिव एनर्जी। अगर आप अपने रिलेशनशिप में मनी, एंजॉयमेंट्स, नेगेटिविटी किसी भी तरह की, दूसरों की, किसी की, फैमिली की, सोसाइटी की, दिस दैट ब्ला ब्ला ब्ला, अगर आप खुद वर्कआउट, नो डाउट ये मेजर अड़काना है तो इसका बहुत बड़ा रोल है आपके उसमें, बट अगर आप इसको जब तक निकालेंगे नहीं तब तक ये चीज़ें सामने कैसे आएंगी, जो कि बहुत ईजली अवेलेबल है इस ग्रुप के पास। अगर मान लिया यहाँ पे डेविल का कार्ड है ना, तो ये इमेच्योर पहले की, बहुत पहले की कंडीशन हो सकती थी, अभी आप मैजिशियन के उसमें हो, बहुत ही ईजली आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। उससे ज़्यादा मैं रीडिंग ये नहीं करने वाली हूँ। सो ग्रुप नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग, आई होप रेजोनेटेड विद यू, फियस लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों की ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स और कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। जो भी लोग हीलिंग सीखना चाहते हैं, हीलिंग का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेकी हीलिंग का ग्रुप गिवन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप खुद खुद की और दूसरों की कर पाएं। ऑलराइट, हैव अ नाइस ब्यूटीफुल वंडरफुल डे अहेड एंड बाय बाय।